चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेनकिंस का अगला वीडियो। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने अभी तक जेनकिंस के 5 वीडियो कवर कर लिए हैं, है ना। पहला वीडियो हमारा था इंट्रोडक्शन का, दूसरा वीडियो हमारा था जेनकिंस को लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तीसरा वीडियो हमारा था जेनकिंस को विंडोज़ के ऊपर कैसे इंस्टॉल करते हैं, फोर्थ नंबर वीडियो हमारा था जेनकिंस को डॉकर कंटेनर पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिफ्थ नंबर वीडियो हमारा था जेनकिंस के साथ गिटहब को कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रोजेक्ट करके। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डेवॉप्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा, और जिसमें जेनकिंस का बहुत बड़ा रोल होगा। ये प्रोजेक्ट मैं अभी आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जेनकिंस को लेकर जो है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जेनकिंस का रोल क्या होता है डेवऑप्स पे। तो आज उन सब बंदों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद। हालांकि हमने अभी तक जेनकिंस के फंक्शनैलिटी नहीं देखे, बोले तो जेनकिंस के डैशबोर्ड में जो ऑप्शंस आते हैं अभी हम उन ऑप्शंस के बारे में नहीं देख रहे हैं, राइट। क्योंकि होगा क्या कि बहुत सारे बंदों को ये लगेगा कि मैंने ऑप्शंस आपको नहीं बताया, ये पैरामीटर क्या करता है, ये पैरामीटर क्या करता है, ये पैरामीटर क्या करता है। ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैंने सोचा कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दूं जेनकिंस के ऊपर, जिससे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी हो जाए, हाँ जेनकिंस ये करता है। हम कुछ प्रोजेक्ट पहले करके देख लेंगे, और जब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट पहले से करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जेनकिंस इतना इम्पॉर्टेंट है, और देन उसके बाद फिर हम लोग उसके फंक्शंस देख लेंगे बाद में, जो फंक्शंस होते हैं, पैरामीटर, इस पैरामीटर का क्या मतलब है, उस पैरामीटर का क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देख लेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों डेवऑप्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट करके देखेंगे, जिसमें जेनकिंस का कितना बड़ा रोल है ये चीज हम लोग समझेंगे। तो यहां पर हम लोग जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उस प्रोजेक्ट का सिनेरियो बता देता हूं, जिससे कि प्रैक्टिकल के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट का सिनेरियो समझ लेते हैं। तो मैं यहां पे टॉपिक लिख देता हूं, आज हमारा क्या है, डेवऑप्स प्रोजेक्ट टॉपिक का नाम। तो इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है, इस प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम है डेवलपर का, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं डेवलपर, ये डेवलपर है, ये भाई साहब डेवलपर भाई साहब यहां पे बैठ के सोर्स कोड लिख रहे हैं। उसके बाद ये है गिटहब, ठीक है, ये यहां पे गिटहब सर्वर है। थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं हम लोग, इस सिनेरियो को लेके चलिएगा। और ये गिटहब हो गया और ये चल रहा हमारा जेनकिन सर्वर, और ये चल रहा हमारा एंसिबल सर्वर, और ये हमारा वेब सर्वर है, ठीक है, ये हमारा वेब सर्वर है। यहां पर मेरे पास एक ही वेब सर्वर है, आप चाहे तो एक से ज्यादा भी रख के इस लैब को कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमें ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है ना, एक डेवलपर का सिस्टम चाहिए, एक गिटहब में अकाउंट चाहिए, एक जेनकिन सर्वर चाहिए, एक एंसिबल सर्वर चाहिए हमें, और एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक वेब सर्वर सफिशियंट है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद जब हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएं तो हमें यहां पर करना क्या है कि ये सारे चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना है। बोले तो गिटहब को जेनकिंस से इंटीग्रेट करना है, जेनकिंस को एंसेबल से इंटीग्रेट करना है, राइट, और एंसेबल को वेब सर्वर से, और ये डेवलपर
के पास गिटहब का यूआरएल होना चाहिए। उसके बाद हमें करना क्या है यहां पे, उसके बाद हमें ये करना है, ये सारी चीजें जब हम लोग आपस में इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद डेवलपर अपना यहां पे बैठ के सोर्स कोड लिखेगा, सोर्स कोड लिखकर कमिट करेगा, कमिट करके गिटहब में पुश करेगा। जैसे ही पुश करेगा तो गिटहब जेनकिन के साथ इंटीग्रेट है तो जॉब चल जाएगी, जॉब चलेगी तो जॉब में मेंशन है भाई कंपाइलिंग करना है, बिल्डिंग करना है, वो कंपाइलिंग बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जेनकिंस क्या करेगा, एंसिबल को दे देगा। क्या दे देगा एंसिबल को, कंपाइलिंग होने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर बनाए या जो भी फाइल है वो फाइल एंसिबल सर्वर को दे देगा। एंसिबल सर्वर अब क्या करेगा, तो जब एंसिबल सर्वर के पास पहुंच जाएगी तब जेनकिंस यहां पर एक और ट्रिगरिंग करेगा। बोले तो एंसिबल सर्वर पे एक प्लेबुक होगा, राइट, उस प्लेबुक में ये चीजें मेंशन होंगी कि जब वो प्लेबुक चलेगा तो जेनकिंस सर्वर से जो भी फाइल या जो भी सॉफ्टवेयर आया है उस सॉफ्टवेयर को इस वेब सर्वर पे डिप्लॉय करना, राइट। तो जेनकिंस यहां पर क्या करेगा, उस प्लेबुक को ट्रिगर कर देगा जो एंसिबल सर्वर पे रखा हुआ है। तो जब एंसिबल सर्वर पे जो प्लेबुक रखा हुआ है उसको जेनकिंस अगर ट्रिगर कर देगा तो उस प्लेबुक के अंदर क्या मेंशन है कि जो भी सॉफ्टवेयर बन के आई उस सॉफ्टवेयर को वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर देना, राइट। तो ये चीज हम लोगों को यहां पर ये काम करके देखना है। उसके बाद डेवलपर फ्यूचर में जितनी बार भी सोर्स कोड में चेंजेस करता है, चेंजेस करके कमिट करता है, कमिट करके गिटहब में पुश करता है तो दोबारा जॉब चलेगी और जॉब चलने के बाद दोबारा वेब सर्वर पर न्यू अपडेट आना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट हमें यहां पर करके देखना है, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एटलीस्ट 4 सर्वर चाहिए, हालांकि 5 सर्वर की जरूरत पड़ती क्योंकि एक गिट सर्वर, लेकिन गिट सर्वर तो हम गिटहब से ले लेते हैं तो गिट सर्वर का फिजिकल हमें मशीन चाहिए नहीं, ना ही लॉजिकल मशीन चाहिए। गिटहब में हम अकाउंट बना लेंगे तो एक सर्वर कम हो गया, 4 सर्वर तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक डेवलपर का सिस्टम, दूसरा आपका जो गिटहब था वो माइनस हो गया सर, तीसरा आपका जेनकिन सर्वर चाहिए आपको, चौथा आपके पास एंसिबल सर्वर होना चाहिए और पांचवा आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। अब ये सारे सर्वर आप एज अ फिजिकल रख के भी लैब कर सकते हैं, वीएम के ऊपर रख के भी लैब कर सकते हैं, ओपन स्टैक के ऊपर बना ले 4 सर्वर वहां पे भी बैठ के लैब कर सकते हैं। यह आप सबको पता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, AWS में जाए 4 वीएम बनाए लैब कर लें, एजोर पे जाए 4 वीएम बनाए लैब कर लें, राइट। तो हम जो लैब यहां पर करेंगे AWS में जाके 4 वीएम बनाएंगे और वहां पे जाके लैब करेंगे, राइट। तो 4 वीएम बनाने के बाद हमें आगे क्या करना होगा, जब 4 वीएम हमारी बन जाएगी तो हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो जेनकिन सर्वर हमारा होगा और ये एंसिबल सर्वर जो हमारा होगा इनके बीच में हमें पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन करा के चलनी है, राइट। क्योंकि जब जॉब चलेगी और जॉब चलेगी तो फाइल वगैरह ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन तो यूज होगा, तो जेनकिन सर्वर और एंसिबल सर्वर के बीच में हम लोग पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं ये सारे बंदे को पता होगा जिन्होंने लिनक्स को पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका एंसिबल सर्वर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा क्योंकि एंसिबल सर्वर से जब प्लेबुक चलेगी तो प्लेबुक के अंदर मेंशन है कि उस फाइल को वेब सर्वर पर डिप्लॉय कर देना है, तो यहां पर भी पासवर्ड लेस ऑथेंटिक कम्युनिकेशन कराना हमें, तो ये भी हम लोग एंसिबल और वेब सर्वर के बीच में पासवर्ड लेस कम्युनिकेशन हम लोगों को कराना होगा। ये चीज हम लोग करके देखेंगे प्रैक्टिकल में। तो बेसिकली मोटा मोटी हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक डेवलपर का सिस्टम चाहिए, एक जेनकिन सर्वर चाहिए, एक एंसिबल सर्वर चाहिए और एक वेब सर्वर चाहिए और एक गिटहब में अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद एक और सवाल आता है कि सर यहां पर डेवलपर कौन होगा, सबसे बड़ी सवाल है डेवलपर यहां पर कौन होगा, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो डेवऑप्स इंजीनियर को कोई मतलब नहीं है डेवलपर कौन है, कोई भी डेवलपर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो डेवलपर जावा पे सोर्स कोड लिख के लेके आए, चाहे पाइथन पे लिख के लेके आए, चाहे वो रूबी पे लिख के लेके आए, चाहे वो .NET पे लिख के लेके आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो भाई सेटअप लगाकर पाइपलाइन बनाकर हमारी जॉब चलनी चाहिए, बस डेवऑप्स इंजीनियर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप लोग जब घर पे ये लैब करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन होगी कि यार एक डेवलपर तो चाहिए तभी तो साथ में ये चीज प्रोजेक्ट बन पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आप इंटरनेट में जाएं,
जावा लैंग्वेज का सोर्स कोड डाउनलोड कर लें, पाइथन का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, .NET का सोर्स कोड मिल जाएगा, वहां से उठा के आप इलैप कर सकते हैं। या फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, कोई सोर्स कोड मत उठाइए, एक सिंपल सी फाइल लिख लीजिए दोस्तों, सिंपल सी फाइल, एक सिंपल सी एक सिस्टम लीजिए, उसको ऐसा डेवलपर का सिस्टम अंडरस्टैंड करके चलिए, वहां पर एक सिंपल सी फाइल बनाइए index.html, उसके अंदर जो आपको लाइन निकली है 2-4 लिख लीजिए और उसी को समझिए कि यही है डेवलपर और यही है डेवलपर की फाइल, खुद को ही डेवलपर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद गिटहब में, उसके बाद उस फाइल को कमिट करके गिटहब में पुश करिए और पुश करने के बाद देखिए जॉब चल रही कि नहीं चल रही। जॉब चलने के बाद आपका प्रोजेक्ट तब सक्सेसफुल माना जाएगा जब जेनकिंस में जॉब चले, राइट, और जेनकिंस कंपाइलिंग के बाद उस फाइल को एंसिबल सर्वर पे कॉपी करवा दे, उसके बाद एंसिबल सर्वर वेब सर्वर पे डिप्लॉय कर दे, तब जाकर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब जाकर आपका एक और अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करने होंगे, तो उसके लिए मैं AWS पे जाऊंगा और वहां पर 4 सर्वर सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूं। तो दोस्तों ये रहा मेरा AWS का अकाउंट, यहां पर मैं 4 सर्वर क्रिएट कर रहा हूं लॉन्च इंस्टांस में क्लिक करके। मैं ये ले लिया Amazon Linux की मशीन ले लेता हूं, 4 मशीन ले लेता हूं यहां पे। ये लो, अभी टैग नहीं दे रहे, बाद में दे देंगे हम लोग टैग यहां पे। एक सर्वर को हम लोग डेवलपर का सिस्टम ले लेते हैं, ये रहा हमारा डेवलपर का सिस्टम। एक को हम लोग यहाँ पे जेनकिन सर्वर ले लेते हैं, पूरा स्टार्टिंग से हम लोग लैब कर रहे हैं यहाँ पर। एक को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एनसेबल सर्वर, जैसे मैं लैब कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आप लोग लैब करिएगा। एक को यहाँ पे ले लेता हूं मैं वेब सर्वर, ठीक हो गया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप लोग जेनकिंस को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने डैशबोर्ड आता है, और जो डैशबोर्ड आता है तो उस डैशबोर्ड में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, पैरामीटर्स आते हैं, जिसको अभी हमने अंडरस्टैंड नहीं किया है कि ये लाइन क्या कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है। जब आप जॉब क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं ना, पैरामीटर्स आते हैं, तो उसको हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। ये चीज़ें हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को 2-4 प्रोजेक्ट पहले दे दूँ, फिर उसके बाद हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये चीज़ें फंक्शन का मतलब आपने नहीं बताया, ये पैरामीटर का मतलब नहीं बताया। मैं पूरे वीडियो में सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो मेन पॉइंट है, जो एजेंडा है, उसी को बता के चलूंगा। सिर्फ मैं आपका सिर्फ फोकस इस प्रोजेक्ट के ऊपर है, फंक्शन को जानने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, यही चीज मुझे बोलनी थी आपसे। तो ये 4 सर्वर हमारी क्रिएट हो चुकी है, तो सबसे पहले तो हम लोग अपना जेनकिंस सर्वर रेडी करते हैं। तो जेनकिंस सर्वर रेडी करने के लिए आप सबको पता है कि पहले जेनकिंस इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैं इसे पहले पुट्टी से कनेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग अपना जेनकिंस सर्वर रेडी कर लेते हैं। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, काफी टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप लोगों की बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी डेवऑप्स के ऊपर, फिर आप इंटरव्यू में जाकर मार नहीं खाएंगे दोस्तों,
फिर अगर आप आपको इंटरव्यूअर कोई सोर्स कोड देता है और बोलता है यार इसको एक पाइपलाइन बना के डिप्लॉय कर दो, तो आप आराम से कर देंगे, कोई बात नहीं। चलो तो जेनकिन सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो लीजिए हम लोग जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। कपीत 238 पैकेज, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं। चलो अब हम लोग जेनकिंस का पैकेज गूगल से उठा लेते हैं। यहाँ पे जेनकिंस डाउनलोड, ये यहां से कॉपी किया मैंने। ठीक हो गया। सिस्टम सीटीएल डायमंड को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट जेनकिंस इनेबल भी कर लेते हैं हम लोग इसे। अब क्या करना होगा, इसको ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं। पासवर्ड लेके आते हैं हम लोग।
ये भी सेट कर लेता हूँ मैं। अब हम लोग अपना एंसिबल सर्वर रेडी कर लेते हैं। तो एक और हम लोग यहाँ पे न्यू सेशन करते हैं, एंसिबल सर्वर को एक्सेस करते हैं और इसको रेडी करते हैं पहले। अब देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि डेवऑप्स के लिए यार सारे टूल की जरूरत होती है, क्योंकि देखो आप एंसिबल यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ना प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो हालांकि एंसिबल नहीं पढ़े हो तो देख के तो आप ये प्रोजेक्ट बना ही लोगे, लेकिन यार नॉलेज होना चाहिए एंसिबल का, तभी आपको फंक्शनलिटी समझ आएगी, तभी तो कहा जाता है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सारी चीजें आनी चाहिए। चलो एक्सेस कर लेते हैं हम लोग इसको। तो एंसेबल का पैकेज हम लोग इसमें डालते हैं, हम इंस्टॉल एंसेबल। तो ये बोल रहा है भाई ये वाली कमांड चला दो, कोई नहीं भाई ये वाली कमांड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये मार दिया। ध्यान से देखते चलना दोस्तों मैं लैब कैसे कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप भटकोगे ना तो आपका प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा, पूरी स्टेप को ध्यान पे रखिएगा। चलो एंसेबल इस पे हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि वेब एक इन्वेंटरी फाइल के अंदर जाके हम लोग वेब सर्वर की एंट्री कर देते हैं, ठीक है। ये लो, तो यहां पर मैं एक वेब नाम का ग्रुप बनाया और यहां पर वेब सर्वर की आईपी, ये रही वेब सर्वर। तो इस वेब सर्वर की आईपी ये लीजिए, प्राइवेट आईपी ले ली मैंने। इस तरीके से अगर 100 वेब सर्वर होंगे तो 100 आईपी लेके आ जाइएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो ठीक हो गया, अब हमारा एंसिबल सर्वर रेडी हो गया। अभी आकर हमें थोड़ा सा और काम करना है, ठीक है, कीलेस वगैरह करने के लिए वेब सर्वर के साथ। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा वेब सर्वर को भी एक्सेस करके उस पर भी अपना थोड़ा सा टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, वेब सर्वर भी रेडी कर लेते हैं अपाचे का पैकेज वगैरह डाल के। चलो ये हमारा वेब सर्वर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, आप आज इंस्टॉल कर लेते हैं। हम इंस्टॉल httpd, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, सिस्टम ctl स्टार्ट, सॉरी httpd, और सर्विस को इनेबल भी कर लेते हैं। चलो ठीक हो गया, अब हम लोग दोबारा एंसिबल सर्वर पे चलते हैं और एंसिबल सर्वर से वेब सर्वर के बीच में जो कनेक्शन है वो पासवर्डलेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये एंसिबल सर्वर था, तो SSH-keygen से हम लोग की जनरेट करते हैं पहले, ये उन सब बंदों को पता है जो लिनक्स पढ़ रखे हैं। अब हम लोग शेयर करते हैं वेब सर्वर पे। तो शेयर कैसे करेंगे, SSH-copy-id-i रूट आईडी यूज करते हैं। तो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ये रहा वेब सर्वर का प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, ये लो। तो की को शेयर कर रहे वेब सर्वर पे, तो ये हमें एरर दे दिया। क्यों एरर दिया पता है, परमिशन डिनाई, क्योंकि हम लोग शेयर करने के लिए रूट का ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन वेब सर्वर पे रूट लॉगिन अभी बंद है ना।
तो रूट लॉगिन पहले इनेबल करते हैं। तो कैसे इनेबल करेंगे, सबसे पहले रूट का पासवर्ड सेट कर लेते हैं हम लोग। वेब सर्वर पे बैठा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे चलते हैं। तो ये देखिए परमिट रूट लॉगिन यहां पर कमेंटेड है, अनकमेंटेड किया मैंने इसको। और एक चीज और करना होगा आपको यहां पर, ये सारी चीजें दोस्तों हमने लिनक्स में पढ़ रखी हैं। ये सारी चीजें मैं इनिशियल स्टेज से कर रहा हूं, पता है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मैं ऐसा चाहता कि सर्वर वगैरह बना के रख लेता, सीधे आपको जॉब क्रिएट करके दिखा देता प्रोजेक्ट। लेकिन नहीं, मैंने बोला इनिशियल स्टेज से करना चाहिए, जिससे कि आप कंपनी में जाओ और आपको बोल दिया गया चल भाई प्रोजेक्ट बना, तो परेशान नहीं होना है आपको। उसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSHT। चलो तो अब मैं एंसेबल सर्वर पे दोबारा आ गया वापस, और अब मैं शेयर करता हूं। तो शेयर करते टाइम इसने पासवर्ड मांगा, तो मैंने पासवर्ड दिया और शेयर हो गया, क्योंकि अब मेरे पासवर्ड था। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एंसेबल सर्वर से बैठकर वेब सर्वर को अगर मैं SSH करूं तो मुझसे पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। तो देखिए SSH हो गया, पासवर्ड नहीं मांगा, क्लियर। चलो अब मैं बाहर आ गया। तो एंसेबल और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हमने बना दिया। अब सेम चीज हम लोग यहां पर करते हैं कि जेनकिंस का कम्युनिकेशन एंसेबल के साथ बनाते हैं। तो अब मैं जेनकिंस सर्वर पे आ गया हूं। अब मैं जेनकिंस सर्वर पे की जनरेट करता हूं, ये लो, ठीक है। अब जेनकिंस सर्वर से की जनरेट करके मैं एंसेबल सर्वर पे ट्रांसफर करूंगा। SSH-copy-id-i रूट यूज कर रहा हूं, रूट एट द रेट। तो जेन एंसेबल का आईपी एड्रेस क्या है, ये एंसेबल का प्राइवेट आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया, लेकिन पासवर्ड तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि एंसेबल सर्वर पे अभी जो रूट यूजर है वो लॉगिन बंद है। तो एंसेबल सर्वर पे आया और यहां पर भी मैं क्या करता हूं, पासवर्ड, रूट का पासवर्ड सेट किया मैं, डन। उसके बाद एंसेबल सर्वर की भी SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाऊंगा, और यहां पर भी मुझे करना पड़ेगा परमिट रूट लॉगिन और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस। चलो ठीक हो गया। अब वापस आते हैं हम लोग अपने जेनकिंस सर्वर पे, और दोबारा से कनेक्ट करने की, सॉरी शेयर करने की कोशिश किया, पासवर्ड दिया, शेयर हो गया। अब एक बार SSH करके देख लेता हूं भाई, चलो कनेक्शन बन गया, ठीक हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग एक काम करते हैं, एंसेबल सर्वर पे आ गए और प्लेबुक जनरेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा एंसेबल सर्वर का आईपी एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, 238 एंसेबल सर्वर का आईपी है। तो यहां पर आकर मैं एक प्लेबुक जनरेट कर लेता हूं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया MKDIR सोर्स कोड नाम का फोल्डर बनाया, और इसके अंदर आया मैं और एक प्लेबुक बनाया मैंने, नाम क्या रखा, playbook.yaml, ठीक है, यही नाम रख लिया मैंने। होस्ट में मैंने ऑल रख लिया। टास्क क्या है, टास्क यहाँ पर मेरा कॉपी, छोटा सा टास्क यूज कर रहा हूँ, कॉपी मॉडल, ठीक है। SRC सोर्स, तो मैंने यहाँ पे बोला OPT के अंदर एक फाइल पड़ी है index.html। अब ये फाइल आएगी कहाँ से, ये फाइल आएगी जेनकिंस में कंपाइल होने के बाद, जेनकिंस एंसेबल सर्वर को ओपीटी वाले फोल्डर में, एंसेबल सर्वर के ओपीटी वाले फोल्डर में ये फाइल को पेस्ट करेगा। अब यहाँ पे index.html ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर डेवलपर भी मैं ही हूं, तो मैं जो फाइल लिखूंगा उसका यही नाम रखने वाला हूं, इसलिए मैंने यही रख दिया, ठीक है। आप इंडस्ट्री में हो तो आप डेवलपर से पूछ लेना भाई
क्या है। अब मैंने बोला ये तो सोर्स हो गया, अब मैंने बोला डेस्टिनेशन, क्योंकि जब ये प्लेबुक चलेगी तो कहां चलेगी, वेब सर्वर पे। तो वेब सर्वर पे कहां भेजना चाहिए, तो मैंने बोला वेयर के अंदर www के अंदर HTML फोल्डर में। ठीक हो गया, तो एंसेबल सर्वर पे ये मैंने प्लेबुक भी कर दिया रेडी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा गिटहब में, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग गिटहब में चलते हैं और गिटहब में एक रेपोजिटरी भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर पहले रेपोजिटरी का नाम हमने रखा demo-project, फाइल ये हमने क्रिएट किया, फाइल का नाम मैंने यहां पे रखा index.html। तो देखो मैं Ansible सर्वर पे मैंने जो यहां पर प्लेबुक के अंदर मेंशन किया कि भाई ओपीटी के अंदर index.html, तो मुझे पता है कि जेनकिंस बिल्डिंग करने के बाद जो आउटपुट देगा वो यही index.html, तो इसलिए मैंने यही रख दिया, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू इंडिया, ठीक हो गया। चलो अब हम लोग यहां पर एक काम और कर लेते हैं, एक काम हम लोग ये कर लेते हैं कि अपने गिटहब को ना जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि जब जब डेवलपर कमिट करके पुश करे तो जॉब चलनी चाहिए। तो जेनकिंस पे आया और जेनकिंस का URL यहां से मैं उठाता हूं, गिटहब पे गया और सेटिंग पे गया, ये सारी ये लैब हमने लास्ट वीडियो में कर रखा है गिटहब को जेनकिंस के साथ इंटीग्रेशन, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये वाली बात। वेबहुक पे गया मैं, यहाँ पे और ऐड वेबहुक किया, यहाँ पर मैंने बोला गिटहब वेबहुक, ठीक हो गया। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, यहाँ पर सीक्रेट, तो जेनकिंस डैशबोर्ड पे गया और इधर क्लाउड पे गया, टोकन ले लेते हैं हम लोग पहले, कॉन्फिगर में गया, ऐड टोकन, जनरेट टोकन, ये टोकन आ गया, टोकन कॉपी किया, उसके पहले यहाँ पे अप्लाई एंड सेव। अब गिटहब पे जाता हूँ और यहाँ पे टोकन पेस्ट कर दिया एंड ऐड वेबो, तो ये देखो हो गया रेडी। चलो कंप्लीट, तो ये सारी चीजें हमारी यहां पर रेडी हो चुकी हैं। अब हमें यहां पर करना क्या है, अब हमें यहां पर एक प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और जिस प्लगइन्स का नाम है पब्लिक ओवर SSH, ठीक है। वो प्लगइन्स मैं यहां पे इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूं क्योंकि जब भी जेनकिंस सर्वर पे जब कंपाइलिंग बिल्डिंग हो जाएगी तो जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट जेनकिंस सर्वर एंसिबल सर्वर को जो देगा वो SSH के थ्रू कनेक्शन बना के देगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जेनकिंस सर्वर एंसिबल सर्वर पे जो प्लेबुक हमने बनाया है उस प्लेबुक को जो ट्रिगर करेगा उसके बीच में जो कम्युनिकेशन बनेगा वो भी SSH के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे पब्लिक ओवर SSH प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जेनकिंस में, तो मैं प्लगइन्स में इंस्टॉल कर लेता हूं ये वाला। अब प्लगइन्स वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये प्लगइन्स क्या होता है, इसकी सेपरेट टॉपिक आने वाले हैं, वो सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पब्लिक ओवर SSH नाम का जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहां पर अभी प्लगइन्स की थोड़ी सी बात कर ली है। तो मैंने यहां पर SSH किया अवेलेबल पे आके, तो यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे आ गया पब्लिक ओवर SSH, तो क्लिक किया और यहां पे इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, रीस्टार्ट भी कर लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। चलो हो गया ये,
अब हम लोग यहाँ पर क्लाउड लॉगिन कर लेता हूँ अपने जेनकिंस को। चलो अब हम लोग का एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो लैब बनाने में हमें आधा घंटा लग गया, या तो मैं ऐसा कर सकता था ये पूरा लैब रेडी करता और सीधे जॉब बना के आपको दिखा देता, लेकिन नहीं, ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं अच्छी होती, तो इसलिए मैंने लैब बनाया और आपको दिखाया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टास्क। तो यहाँ पे जॉब कैसे क्रिएट करते हैं, जॉब क्रिएट करने के लिए न्यू आइटम्स में आ जाए आप लोग, न्यू आइटम्स, जॉब्स का नाम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डेमो प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। जॉब का टाइप हमारा फ्री स्टाइल है, ये सारे टाइप भी होते हैं पाइपलाइन जो हम लोग आगे देखेंगे। फ्री स्टाइल में मैंने ओके किया, डन। उसके बाद देखिए ये डिस्क्रिप्शन, ये सारे फंक्शंस अभी हम नहीं देख रहे हैं, मैं जिस फंक्शन के बारे में आपको बोल रहा था ना, जो मैं आपको बाद में बात करूंगा, वो यही सारी चीजें, देखिए ये सारी चीजें जो मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, अभी सिर्फ हम लोग इस प्रोजेक्ट को करते हैं। नीचे आ जाए यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट, तो सोर्स कोड कहाँ लेके आएगा, तो मैंने सोर्स कोड कहाँ से उठाना है, तो मैंने बोला गिट और गिटहब का यूआरएल दे देते हैं। तो यहाँ पे आया मैंने, ये सोर्स कोड मैंने बना दिया है, मेरे हिसाब से ये index.html फाइल ही मेरे लिए सोर्स कोड है। कॉपी किया मैंने यहाँ पर और ये मैंने पेस्ट किया, तो ये देखिए एरर दे रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, ये एरर इसलिए आता है क्योंकि जेनकिन सर्वर पे गिट का पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए चलते हैं जेनकिन सर्वर पे हम लोग फिर से, और ये जेनकिन सर्वर है और यहाँ पे गिट का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। तो ये सारी चीजें एरर मैं आपको दिखा के चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोग मार ना खाएं। चलो अगर मैं लैब बना के रखता तो आपको पता भी नहीं चलता, आप घर पे लैब करते पता लगा आप फंसे हुए हैं, क्या एरर आ रहा, फिर फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करते आप। चलो तो अब इंस्टॉल कर दिया मैंने, तो अभी ये एरर हट जाएगा। एक बार दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, एक बार बैक आ जाते हैं। कॉन्फिगर, गेट, ये लो, चलो हट गया है। अब नीचे आ जाए, अब बिल्ड ट्रिगर, बिल्ड ट्रिगर है यहां पर, तो हम लोग गिटहब हुक ट्रिगर कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेवलपर कमिट करके पुश करे तब तब जॉब चलनी चाहिए। अब यहां पर देखिए बिल्ड इन्वायरमेंट आ रहा है, बिल्ड इसको नहीं छेड़ रहे हम लोग, बाद में देख लेंगे सब क्या होता है, अभी सीधे बिल्ड में आ जाइए और एड बिल्ड स्टेप में आते हैं। और यहां पर देखिए सेंड फाइल और एग्जीक्यूट कमांड ओवर SSH, तो ये ले लेता हूं मैं यहां पर। तो अभी कह रहा है कि यहां पर देखिए आप कमांड मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर जो भी कमांड मेंशन करेंगे वो कहां पे चलेगी, तो हमें यहां पे सर्वर का नाम देना पड़ेगा, उस सर्वर के अंदर एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। तो सबसे पहले अब ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं, सेंड फाइल और एग्जीक्यूट कमांड ओवर SSH। मैं यहां पर वो कमांड मेंशन करना चाहता हूं कि जब भी ये जॉब चलेगी और कंपाइलिंग के बाद जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, राइट, वो आउटपुट जेनकिन सर्वर पे रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि वो चीजें जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट जेनकिन सर्वर से एंसिबल सर्वर को ट्रांसफर करना है मुझे। तो यहां पर मैं वो आरसिंग कमांड मेंशन करूंगा, पता है, यहां पर मैं वो आरसिंग कमांड मेंशन करूंगा जो जेनकिन सर्वर पे चलेगी, लेकिन मुझे जेनकिन सर्वर को पहले, जेनकिन सर्वर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो पहले मुझे यहां पर ऐड करवाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा, अभी मैं करके दिखाता हूं तो आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कट करता हूं और यहां आता हूं और मैनेज जेनकिंस में आ जाए, पहले कॉन्फिगर सिस्टम पे आ जाए,
एक मिनट रुकना। नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ये देखिए एसएसएस सर्वर, राइट। अब ये एसएसएस सर्वर का ऑप्शन यहाँ पे पता है क्यों आ रहा है? मैंने पब्लिक ओवर एसएसएच का प्लगइन्स डाला तभी आ रहा है। तो यहाँ आया और मैंने ऐड में क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे ओवर एसएसएच, तो मैं नाम दे देता हूँ जेनकिंस, और जेनकिंस का होस्ट नेम, तो ये जेनकिंस सर्वर है। जेनकिंस सर्वर की मैंने यहाँ पर आईपी एड्रेस ले ली प्राइवेट, यहाँ पर मैंने पेस्ट, और यूज़र नेम मैंने बोला कि रूट, कि जेनकिंस सर्वर को आप यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं तो यूज़र नेम रूट यूज़ कर रहा हूँ, और पासवर्ड रूट का दूंगा, तो उसके लिए एडवांस में मैंने क्लिक किया, और ये चूज़ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, तो जो ऐड हो रहा है वो पासवर्ड के थ्रू ऐड हो रहा है, या की के थ्रू भी आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते थे देखिए, लेकिन मैं पासवर्ड के थ्रू कर रहा हूँ, ज़्यादा सिक्योर है। पासवर्ड दिया और एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, तो ये फेल्ड हो गया, तो आई थिंक जेनकिन सर्वर पे मैंने पासवर्ड सेट किया नहीं है लगता, बिल्कुल रूट का। कोई नहीं, मैं दोबारा से कर रहा हूँ अभी, और पासवर्ड लॉगिन भी जेनकिन सर्वर पे हमने शायद किया नहीं है, एनसेबल पे और वेब पे ही किया है लगता है। अब मैं टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन किया, पास हो गया सक्सेस, अप्लाई। एक मिनट रुकना दोस्तों, कॉन्फ़िगर दोबारा से आ गया मैं, बिल्ड पे आ गया, सेंड फाइल और एग्जीक्यूट कमांड ओवर एसएसएच, तो देखिए अब आ गया जेनकिन सर्वर। तो मैंने बोला जेनकिन सर्वर पे मुझे एक कमांड चलानी है, ठीक है, और कमांड क्या चलानी है कि कंपाइलिंग के बाद जो डेटा जेनकिन सर्वर पे जहां पे पड़ा होता है वो डेटा मुझे एनसीबल सर्वर पे भेजना है, तभी तो एनसीबल सर्वर उसे डिप्लॉय करेगा वेब सर्वर पे। बोले तो जेनकिन सर्वर कंपाइल करने के बाद, बिल्ड करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर बनाता है उस सॉफ्टवेयर को मुझे एनसीबल सर्वर पे भेजना है, तब एनसीबल सर्वर वेब सर्वर पे डिप्लॉय करेगा। तो मैं जेनकिन सर्वर यहां पर सेलेक्ट किया, और जेनकिन सर्वर पे मैंने बोला एक कमांड चलाइए, कौन सी, आरसिंक हाइफन एबीएच। अब वो फाइल होती कहाँ है जेनकिन सर्वर पे, इंपॉर्टेंट तो बात ये, जब भी बिल्डिंग होता है तो जेनकिन सर्वर पे कहाँ पे जाके डेटा स्टोर होता है, तो वो डेटा वर्क स्पेस नाम के फोल्डर पे स्टोर होता है। तो जेनकिन सर्वर पे कहाँ पे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, जेनकिन सर्वर पे आ जाए, सीडी वेयर लिब जेनकिन्स के अंदर यहां पर एक फोल्डर होगा वर्क स्पेस नाम का, लेकिन वो फोल्डर अभी यहां पर है नहीं, ठीक है, कब होगा मैं आपको बता देता हूं, वो फोल्डर कब बनता है अभी बताऊंगा। तो यहां पर एक वर्क स्पेस नाम का फोल्डर होगा, और वर्क स्पेस फोल्डर के अंदर आपने जॉब क्रिएट करते टाइम जो टाइटल दिया ना, डेमो हाइफन प्रोजेक्ट, उस नाम का फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आपका बोले तो कंपाइलिंग बिल्डिंग के बाद जो भी आउटपुट आया होगा वो डेटा वहां पे पड़ा होगा। तो मैंने बोला उस फाइल को कॉपी कर दो एनसीबल सर्वर पे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी, ये बात जो मैंने आपको बोली कि यहां पे वर्क स्पेस नाम का फोल्डर होगा, और कब होगा, जब जॉब चलेगी तब बन जाएगी अपने आप। तो मैं काम करता हूं, ये चीजें मैं अभी यहां से कट करता हूं, और
गिटहब में आता हूँ, ये यूआरएल को मैं चुपचाप से यहाँ पर पेस्ट किया, बस इतना ही करके मैं आपको जॉब चला के दिखाता हूँ वो वर्क स्पेस कहाँ पे बनता है। तो बिल्ड नाउ में मैंने क्लिक किया, जॉब चल रही होगी नीचे, देख सकते हैं जॉब चल रही है। कंसोल आउटपुट में मैं आपको दिखा देता हूं, तो देखिए कह रहा है बिल्डिंग इन वर्क स्पेस, देख सकते हैं जेनकिंस के अंदर वर्क स्पेस फोल्डर बना और उसके अंदर डेमो प्रोजेक्ट, और जेनकिंस सर्वर पे अगर मैं आया और यहां पर एलएल करता हूं तो देखिए, सॉरी देखिए यहां पे वर्क स्पेस आ गया, और आप वर्क स्पेस में जाएं तो यहां पर देखें डेमो प्रोजेक्ट आ गया, और डेमो प्रोजेक्ट के अंदर जाएं तो ये देखिए इंडेक्स डॉट एस्टिमेट, बोले तो बिल्डिंग के बाद ये आउटपुट आया है ना। तो यहां पर तो मैं एक सिंपल सी फाइल थी, तो सिंपल सी फाइल यहां पे आ चुकी है, तो मैंने ये फाइल कॉपी करवाना है एंसिबल पे, ठीक है एंसिबल सर्वर पे। तो मैं अभी यहां पर पीडब्ल्यूडी करके ये पाथ चुपचाप से यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये लो वापस में आया यहां पर, कॉन्फिगर पे चलते हैं, इसी जॉब को कॉन्फिगर करते हैं दोबारा से, सॉरी एडिट करते हैं। अब मैं यहां पर आया दोबारा, सेंड फाइल और एग्जीक्यूट कमांड ओवर SSH, मैंने बोला जेनकिंस सर्वर पे कमांड चलनी चाहिए, कमांड क्या होनी चाहिए rsync, और देख सकते हैं जेनकिंस सर्वर मैंने ऐड कर रखा है पहले से उसका ऑथेंटिकेशन rsync-avh। इस पाथ में ये पाथ दिया मैंने, ये पाथ जेनकिंस सर्वर का है, इसके अंदर star.html की जो भी फाइल मिले उसे एंसिबल सर्वर पे कॉपी करा दो। अब एंसिबल सर्वर का आईपी क्या है, ये रहा एंसिबल सर्वर का आईपी, ये रहा एंसिबल सर्वर का आईपी, सॉरी यहां चलो। अब एंसिबल सर्वर पे कहां कॉपी कराना है, तो याद करिए आपने एंसिबल सर्वर पे जो प्लेबुक लिखा था, तो प्लेबुक में क्या बताया था आपने कि जब ये प्लेबुक चले तो ओपीटी के अंदर से इंडेक्स डॉट एस्टिमल को उठाए, तो मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि एंसिबल सर्वर पे ओपीटी के अंदर भेजना, क्योंकि जब ये प्लेबुक चलेगी तो ओपीटी में से ढूंढेगा, ओपीटी के अंदर से ढूंढेगा। तो मैंने यहां पे बता दिया कि स्लैश ओपीटी के अंदर भेज देना भाई, ये ले भाई, ठीक हो गया। चलो अब मैंने अप्लाई किया एंड सेव, तो अब जब मैं इस जॉब को चलाऊंगा तो जेनकिंस सर्वर पे इस पाथ में से फाइल उठेगी, और एंसिबल सर्वर पे मैं इसको, एंसिबल सर्वर पे आ गया, एंसिबल सर्वर के ओपीटी के अंदर वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया, मैंने जॉब चलाता हूं फिर आपको दिखाता हूं। बिल्ड नाउ में मैंने क्लिक किया, सॉरी दो बार हो गया क्लिक, चल गई जॉब। अब मैं एंसिबल सर्वर पे चलता हूं, यहां पे ओपीटी के अंदर देख सकते हैं आप लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल आ चुकी है, ठीक है। अब थोड़ा सा, लेकिन अगर आप वेब सर्वर पे जाए तो वेब सर्वर पे अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि आपने वेब सर्वर पे भेजने का तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया, क्लियर। चलो अब मैं दोबारा से इसी प्रोजेक्ट को एडिट करता हूं, अभी पूरा हुआ नहीं है हमारा, ठीक है। अब यहां पर देखिए पोस्ट बिल्ड एक्शन, कि जब बिल्ड हो जाए तो करना क्या है, तो मैंने बिल्ड तो करा लिया यहां पर, अब मैंने यहां पर क्या करना है, वेब सर्वर पे डिप्लॉय करना है। तो मैं जेनकिन से बैठकर डायरेक्टली वेब सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करूंगा, मैं जेनकिन से बैठकर एनसिबल के अंदर जो प्लेबुक है उससे एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो उस प्लेबुक के अंदर मेंशन है करना क्या है, फिर से प्लेबुक आपको ओपन करके दिखा देता हूं मैं, क्या मेंशन है कि जब ये प्लेबुक ट्रिगर होगा तो ओपीटी के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल को उठाएगा और वेयर डब्ल्यूएचटीएमएल के अंदर डिप्लॉय कर देगा,
तो जेनकिन से बैठ के मैं इस प्लेबुक को ट्रिगर करूंगा, राइट? कैसे करेंगे? तो मैंने बोला बिल्डिंग के बाद पोस्ट बिल्ड एक्शन मुझे लेना है, एक्शन यहां पे आया, यहां पर देखिए सेंड बिल्ड आर्टिफैक्ट ओवर एसएसएच। तो अब मुझे, अब मैं यहां पर जो कमांड मेंशन करूंगा वो मुझे कहां चलानी है, मुझे जेनकिन सर्वर पे बैठ के नहीं चलानी, मुझे एंसिबल सर्वर पे बैठ के चलवानी है। तो यहां पर एंसिबल आ नहीं रहा, तो मुझे इस गिटहब, इस जेनकिंस में एंसिबल के को भी ऐड कराना पड़ेगा एसएसएच के अंदर। तो फिर से आप वापस जाइए बैक, फिर से आप वहीं जाइए मैनेज जेनकिंस में, कॉन्फिगर सिस्टम, ऐड, यहां पर मैंने बोला Ansible होस्ट नेम, तो Ansible का होस्ट नेम यहां से कॉपी कर लो, यूजर नेम रूट, पासवर्ड के लिए एडवांस में आ जाएं, यूज पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैंने पता है मैंने क्या रखा था इसलिए मैंने शुरू में सेट कर लिया था, ये सारी चीजें टेस्ट करके देख लेते हैं, सही है, अप्लाई एंड सेव। दोबारा से मैं अपने जॉब में चलता हूं, कॉन्फिगर में गया और वापस से आ गया मैं यहां पर पोस्ट, यहां पे आ गया। तो अब देखें यहां पर जेनकिन के साथ एंसिबल भी आ गया होगा। तो अब मैंने बोला इस बार जो यहां पर जो कमांड मेंशन करूंगा वो एंसिबल सर्वर पे चलनी चाहिए। तो क्या कमांड मुझे चलवानी है भाई? प्लेबुक ट्रिगर करानी है बस। तो एंसिबल प्लेबुक, ये लीजिए प्लेबुक ट्रिगर कराने की कमांड। प्लेबुक कहाँ पे पड़ी हुई है? सोर्स कोड फोल्डर के अंदर। क्या नाम है? playbook.yaml। ये लो भाई, हो गया काम खत्म। अप्लाई करिए, सेव करिए, ठीक है। अब बिल्ड करिए, ये लीजिए बिल्ड हो रहा है, डन। अब चलिए अपने वेब सर्वर पे और यहां देखिए index.html फाइल आ गई। तो अब वेब सर्वर का आईपी एड्रेस यहां से मैंने कॉपी किया और यहां पर आया और देखिए आगे वेलकम टू इंडिया, राइट। अभी आपको और बताना है। अब चलिए डेवलपर सिस्टम पे, ठीक है। अब मेन चीज कर रहे हैं, डेवलपर का सिस्टम एक्सेस कर लीजिए, चलो ये है डेवलपर का सिस्टम। डेवलपर अपने सिस्टम पे गिट इंस्टॉल कर लेता है पहले, चलो। अब ये करता है गिट क्लोन इस रेपोजिटरी को। तो ये सारी चीजें तभी समझ लग रही है दोस्तों मैं जो कर रहा हूं, जब आपको एंसिबल आता हो, गिट आता हो, तभी ये प्रोजेक्ट समझ आने वाला, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। क्लोन किया इसने, ये हो गया क्लोन, डेमो प्रोजेक्ट के अंदर आ गया ये। अब देखिए ये फाइल इसने ओपन किया, ठीक है। अब डेवलपर सोर्स कोड को एडिट करेगा, राइट, ये चीज है ना, एडिट करता है, वेलकम टू इंडिया हटा देता है। इसने यहां पर किया वेलकम टू क्लाउड नॉलेजेस, ठीक है। चलो सेव करके बाहर आया, गिट कमिट करता है माइनस एम, ये लो, ये वो एरर दे दिया इसने, कोई नहीं, इसको यहां से कॉपी करके चला दे भाई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, बोले तो डेवलपर ने कमिट करके गिट सर्वर पे पुश कर रहा है।
तो अगर हम इस पे आए हैं तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेशन है, डेवलपर कमिट करके पुश कर रहा है, और जैसे पुश करेगा तो जॉब चलनी चाहिए। बिल्कुल, आप जेनकिंस के डैशबोर्ड में आए तो जॉब नंबर 4 है, डेवलपर अगर इसे पुश कर दे तो जॉब नंबर 5 अपने आप चल जानी चाहिए, और जॉब नंबर 5 जब चलेगी तो यहाँ पर कंटेंट चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना, यही तो है। चलो भाई, डेवलपर यहाँ पर, क्योंकि तो सारी चीज़ें तो हमने कर रखी है ना इंटीग्रेट, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, गिटहब का आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा इसे, इसने आईडी पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड दे देता है, ये लो देखिएगा यहाँ पे जॉब चलेगी 5 नंबर अपने आप। देखिएगा मैं कुछ नहीं करने वाला, अब जॉब नहीं चली। क्यों नहीं चली पता है? चलते हैं हम लोग अपना यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करके, क्यों नहीं चली अभी क्लियर कर देता हूँ। जॉब इसलिए नहीं चली क्योंकि यहाँ पे आपने गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट एसईएम पोलिंग क्लिक किया ही नहीं, इसलिए नहीं चली। तो कोई नहीं, अब क्लिक कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है, अब करके देखते हैं। फिर गए डेवलपर के सिस्टम, वेलकम टू क्लाउड नॉलेज हटाया हमने यहाँ पर, वेलकम टू आईटी कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, पहले क्या था? पहले था वेलकम टू इंडिया, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर गेट कमिट माइनस एम एफ टू, फिर सेम चीज हमें करना पड़ रहा। चल, अब गेट पुश ओरिजिन मास्टर, अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देना है जॉब, ठीक है, आप लोगों को ध्यान यहाँ पे देना है, जॉब चलनी चाहिए 5वें नंबर की। जॉब जब चल गई, ग्रीन आ गया, सॉरी ब्लू आ जाएगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पर कंटेंट बदल जाएगा अपने आप। आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए जॉब चल जानी चाहिए, देख सकते हैं, देखिए 5वीं नंबर जॉब चल रही है, देख रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं, डन। अब आइए यहां पर क्या आ गया, वेलकम टू आईटी। तो देख सकते हैं जब जब डेवलपर सोर्स कोड में चेंज करता है, वेब सर्वर पे ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट हो रही है। फिर से करके दिखाता हूं एक बार, वेलकम टू सॉफ्टवेयर, ये लो, गेट पुश ओरिजिन देखिए जॉब नंबर 6 चलेगी। अब देख सकते हैं, डन। आइए यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जॉब चली उसका रिपोर्ट देखना, तो अंदर आइए, कंसोल स्टेटस में जाइए, एक एक रिपोर्ट है पढ़िए, यहाँ पर हुआ क्या क्या, पहले क्लोन किया उसने, देखिए यहाँ पर जॉब, देखिए एंसिबल प्लेबुक चला, फिर कॉपी हुआ, देखिए सारी रिपोर्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये होती है ब्यूटी डेवॉप्स की, और ये होती है ब्यूटी जेनकिंस की।
तो ये था आपके सामने एक प्रोजेक्ट जो मैंने आपको करके दिखाया। तो अब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों आप कंपनी में जाएंगे तो यही चीज़ तो आपको देखनी है, ये सारी चीज़ें तो मैनेज करनी है। बाकी डेवलपर तो अपना यार सोर्स कोड लिखेगा, वो करे यार जो करना है, हमें क्या मतलब है, है ना। अब वो सोर्स कोड जावा में होगा तो आपको बता देगा भाई मेरी सोर्स कोड जावा में है ना, तो जावा बेस कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हम लोग आगे देखेंगे भी। पाइथन में है तो पाइथन में, तो डेवलपमेंट का काम तो डेवलपर ही कर रहा है, डेवऑप्स इंजीनियर ये कर रहा है जो हमने आज इस प्रोजेक्ट में किया। समझ आ गई? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी के साथ साथ अभी हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट करेंगे, अभी हम लोग जावा सोर्स कोड उठा के भी प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने जावा बेस कंपाइलर इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आगे क्लियर करूँगा। लेकिन मैंने सोचा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट आपको पहले दे दूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।